रीता कैसा हो वो परमल जैसा हो, हमारा रीता कैसा हो वो परमल जैसा हो। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। मैं अपने लिए वोट मांगने हूँ, मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। लेकिन मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। अरे सारी दीवारों खंभों पर मेरे पोस्टर बोर्ड रोज अखबार में मेरी फोटो आ रही है। भैया इस बार मैं चित्र देखकर नहीं चरित्र देखकर वोट दूंगी। नेताजी लगता है जनता जागरूक हो रही है, एक बार जाति कार्ड फेंक के देखो। अरे बहन जी मैं आपकी जात का हूँ, जात के नाम पर तो मेरे को वोट दोगे? जात के नाम पर? भैया मैं अपना जीजा चुनने नहीं, मैं अपना नेता चुनने जा रही हूँ। नेताजी ऐसे तो हमारे बाप दादाओं का नाम खराब हो जाएगा, एक बार उनके नाम पर वोट मांग के देखो। अरे बहन जी मेरा पूरा परिवार शुरू से ही राजनीति में, मुझे इस आधार पर तो वोट दोगे? भैया क्या आपकी योग्यता का यही प्रमाण है? तो फिर क्यों सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन के बच्चों को मेहनत करनी पड़ रही है? पहले योग्य बनो फिर वोट मांगने आना। नेताजी लगता है जनता जागरूक हो रही है, एक बार आखिरी पैतरा फेंक के देखो। अरे बहन जी मैं आपके सारे पर्सनल काम करवा दूंगा, मुझे इस बात पर तो वोट दोगे? आज तक यही तो होता आया था, इलेक्शन चाहे पंचायत के हो, पार्षद के हो, एमएलए के हो या एमपी के हो, लेकिन हम वोट व्यक्तिगत हित में ही देते आए। देश हित में तो हमने कम ही वोट दिए थे। हाँ लेकिन इस बार हम वोट देश हित में करेंगे। ये कोई छुट्टी बनाने का दिन नहीं, भविष्य बनाने का दिन है। जय हिंद।